रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान, खट्टर सरकार में नौकरी पाने का तरीका, खर्ची पर्ची से अब रुपयों की अटैची तक। एक ऐसे गड़बड़ झाले और घोटाले को लेकर हम सब उपस्थित हैं, जो हिंदुस्तान के इतिहास में व्यापम घोटाले से भी बड़ा है। हरियाणा का रोजगार भर्ती और बिक्री घोटाला है। खट्टर सरकार में नौकरी पाने का तरीका खर्ची पर्ची से अटैची तक पहुंच गया है। और HPSC जो है हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर बन गया। हरियाणा वासियों के सामने, हमारे नौजवान युवक युवतियों के सामने एक बात साफ है, खट्टर साहब बिना पर्ची बिना खर्ची के नारे लगाकर प्रदेश के लाखों करोड़ों नौजवानों को मूर्ख बनाते रहे और हरियाणा में नौकरियों की बिक्री की मंडी चलती रही। भाजपा जजपा सरकार में अब खर्ची भी विकास का टॉनिक पीकर अटैची बन गई। 32 से अधिक पेपर लीक और भर्ती घोटाले को उजागर कर हम लगातार हरियाणा के युवाओं से होते अत्याचार को आपके माध्यम से जनता के सामने रखते रहे, परंतु सरकार हमेशा विपक्ष की बात को टालती रही। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर के डिप्टी सेक्रेटरी और HCS अधिकारी अनिल नागर, अश्वनी कुमार और अन्य की गिरफ्तारियों से साफ है कि हरियाणा में नौकरी भर्ती और नौकरी बिक्री घोटाला देश का सबसे बड़ा रोजगार घोटाला है। मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने तीन जुमले रटे हुए, मेरिट, पारदर्शिता और बिना पर्ची खर्ची। नौकरियां बिके, पर्चे लीक हो, खाली OMR शीट भरी जाए, रोल नंबर एक दूसरे के पीछे लगाए जाए, पेपर में धांधली हो, पर खट्टर साहब जनता के सामने और पत्रकारों के सामने ये तीन जुमले उछालकर निकल जाते। पर हरियाणा के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने, हरियाणा के युवाओं के भविष्य को अंधकारमय करने, उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दरवाजे पर है। प्रदेश के युवाओं की मांग है और प्रदेश के युवाओं की ओर से मैं आज सिलसिलेवार 7 बिंदु लेकर उपस्थित हूं कि प्रदेश के युवाओं को इन 7 सिलसिलेवार बिंदुओं का खट्टर साहब जवाब दें। नंबर 1, HPSC को हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर क्यों बना दिया? साफ है कि हर भर्ती के रेट हरियाणा में अब तय हैं। 25 लाख दो, डेंटल सर्जन बन जाओ। 20 लाख दो, HCS का प्रिलिमिनरी पेपर पास कर जाओ। 1 करोड़ दो, HCS अधिकारी लग जाओ। 50 लाख दो, नायब तहसीलदार लग जाओ। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के वो डिप्टी सेक्रेटरी जो अब पकड़े गए वो, और 1 करोड़ की नकदी भी जिनके पास से पकड़ी गई दफ्तर में, ये वो सरकार की विजिलेंस को बता रहे। दूसरा बिंदु, अनिल नागर तो खट्टर सरकार का चहेता अधिकारी था, अगर मैं ये कहूं कि एक तरह से गठबंधन का प्रतिनिधि था तो शायद गलत नहीं होगा। चौटाला सरकार में 2004 में अनिल नागर की भर्ती हुई और 2016 में खट्टर साहब ने उसे ज्वाइन करवाया। हरियाणा बोर्ड से लेकर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन तक अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर केवल 4 साल की सीनियोरिटी वाला यह अधिकारी रहा। साथियों, यह बिना किसी बड़े आशीर्वाद के संभव नहीं। सवाल तो यह है कि IAS स्तर के HPSC के सेक्रेटरी को दरकिनार करके सभी महत्वपूर्ण भर्तियों का प्रबंधन और सीक्रेसी
चार साल पुराने एक एचसीएस अधिकारी को किसने दी, कैसे दी और क्यों दी? सवाल बड़ा सीधा। तीसरा बिंदु, खट्टर सरकार ने, मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भर्तियों में सुधार के नाम पर नौकरी लगाने वाले दोनों आयोगों में परीक्षाओं का परोक्ष रूप से निजीकरण कर दिया। प्राइवेट कंपनियां पेपर बना रही हैं, प्राइवेट कंपनियां ही सेंटर संभाल रही हैं, प्राइवेट कंपनियां रोल नंबर दे रही हैं, प्राइवेट कंपनियां पेपर कंडक्ट कर रही हैं, प्राइवेट कंपनियां ओएमआर शीट स्कैन कर रही हैं, प्राइवेट कंपनियां रिजल्ट बना रही हैं, प्राइवेट कंपनियां ही आंसर की में जो ऑब्जेक्शन आते हैं उन पर फैसला कर रही हैं। अगर सब कुछ निजी कंपनियों या अश्वनी जैसे जो ठेके पर लगाए गए कर्मचारी हैं उनके हाथों में है, जिनका कोई जिम्मेवारी या दायित्व नहीं, तो फिर सच्चाई क्या है? और अगर ज्यादा हंगामा बच जाए, कोई बहुत आप में से कोई साथी दिखा दे या कोई विपक्ष का साथी बोल दे, तो एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और दूसरे नाम से फिर वही कंपनी बना ली जाती है। अगर हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य इन नौकरियों के ठेकेदारों ने निर्धारित करना है, तो खट्टर साहब की जरूरत क्या है या उनकी सरकार की, सरकार की जिम्मेवारी या जवाबदेही क्या है? चौथा बिंदु, डेंटल सर्जन जैसे लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पदों पर अब यह जाहिर है कि 25-25 लाख लेकर भर्तियां की जा रही। 8 ओएमआर शीट में तो उत्तर भरने का कबूलनामा तथा कथित तौर से इसने नागर ने ही स्वीकार कर लिया और वो कहते हैं कि अश्वनी ने भी स्वीकार किया और विजिलेंस टीम को भी दे दिया। सवाल यह है कि कितनी और ओएमआर शीट इस प्रकार से भरी हुई होंगी? ये तो वो है जो कबूल हो गई या पकड़ी गई, कितनी और ओएमआर शीट भरी हुई होगी? क्या इनके साथ मिले कंपनी के दूसरे लोगों को हिस्सा नहीं पहुंचा होगा? नौकरी रिश्वत कांड का यह पैसा खट्टर सरकार में किस किस सफेदपोश और अधिकारी तक पहुंचा, सवाल यह है जिसका कोई जवाब ही नहीं देता। पांचवा पहलू, एचसीएस जैसी प्रदेश की सबसे बड़ी नौकरी की भर्ती में भी 24 कैंडिडेट्स के रोल नंबर अनिल नागर के पर्स से निकले, इनमें से 6 पास हुए, 7 टॉपर्स की लिस्ट में, बाकी पर जांच चल रही है। यह सब ओएमआर शीट के खेल से हुआ। डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर का यह खुद का कबूलनामा है, आपने ये छापा है, मैं भी नहीं कह रहा। कमाल यह है कि जितनी ओएमआर शीट के बारे में नागर ने स्वीकारा वो तो बरामद ही नहीं हुई, वो कहां गई? और अचरज की बात यह भी है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में नागर के कमरे के पीछे स्ट्रांग रूम की जिम्मेवारी भी आईएएस जो सचिव है उनको ना देकर 4 साल पुराने एचसीएस अधिकारी डिप्टी सेक्रेटरी को दे दी गई। क्यों? असलियत में कितनी और ओएमआर शीट्स हैं और कितने करोड़ों रुपया नौजवानों को ठगकर रिश्वत में लिया गया, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही। और क्या ये अंदर बैठकर ओएमआर शीट भरने का चमत्कार है दोस्तों कि एचसीएस की प्रिलिमिनरी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी थी और बहुत मुश्किल कहते हैं पेपर था, उसके बावजूद भी इतिहास में सबसे अधिक 68.5% मेरिट आई। सामान्य वर्ग में हरियाणा के 30-40% कैंडिडेट भी पास नहीं हुए और अनिल नागर जैसे लोग और सरकार में बैठे सफेद पोश 20-20-25-25 लाख रुपए लेकर खुद ही ओएमआर शीट भरते मिले। क्या एक डिप्टी सेक्रेटरी, मैं आपसे पूछता हूं और आपके दर्शकों और पाठकों से, क्या एक 4 साल पुराना डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी ये सब कर सकता है अकेले? क्या ये साफ नहीं कि सत्ता में बैठे
बड़े बड़े सफेदपोशों और बड़े बड़े अधिकारियों का संरक्षण और हाथ इस अधिकारी के ऊपर था और है। छठा पॉइंट, ये लोग खुद कबूल कर रहे हैं कि एचपीएससी की सीक्रेसी तक इस गिरोह की, इस नौकरी बेच गिरोह की बगैर रोक टोक एंट्री थी, ये मान रहे। ये लोग सिक्योरिटी, पुलिस की सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरे जो वहां लगे उनके बीच सीधे सीक्रेसी तक जाते और ओएमआर शीट तक के फोटो खींच लाते, ये भी उन्होंने स्वीकार ली। तो आप मुझे बताइए, क्या एचपीएससी की सीक्रेसी, जहां मैं, जहां आप या शायद खुद खट्टर साहब भी नहीं जा सकते, इनको अनुमति कैसे मिल गई, ये कैसे हुआ? और जिस जगह पर नियमों के अनुसार इस प्रदेश का मुखिया भी नहीं प्रवेश कर सकता, वहां नौकरी बेच गिरोह ऐसे कैसे जा रहा था जैसे रेड़ी से सेब केले लेने जा रहा और वापस आ रहा? और जब ये लोग हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की इन महत्वपूर्ण शाखाओं में घुसपैठ करते थे, हेराफेरी करते थे, नौकरियां बेचते थे, रिश्वत लेते थे, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, वहां के मेंबर, वहां की पुलिस, प्रदेश की सीआईडी, प्रदेश की सरकार, वो आंख मूंदे क्यों बैठी थी? क्या ऐसा तो नहीं कि ऊपर से नीचे तक सबकी आंखों पर चांदी के सिक्कों का चश्मा चढ़ा रखा था? और सातवां बिंदु, इस व्यापम गिरोह, अब इसे व्यापम गिरोह ही कहता हूं मैं, इस व्यापम गिरोह के तार एचपीएससी नहीं, अब यह सामने आया है कि हरियाणा बोर्ड और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तक भी जुड़े हैं। 2016-17 से हरियाणा में एचटेट परीक्षा में भी हेराफेरी की बात सामने आ गई, पेपर बेचने की बात भी सामने आ गई, कई और पदों पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो फर्जीवाड़ा हुआ उसकी बात भी अब सामने आ रही है। विजिलेंस के अनुसार जो जसबीर सिंह मलिक को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्कैनिंग और पेपर चेकिंग का ठेका मिला, मैं दोबारा याद दिलाता हूं आपको, विजिलेंस कह रही है कि जो जसबीर सिंह मलिक को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्कैनिंग और पेपर चेकिंग का ठेका मिला, वही कैंडिडेट्स को फंसा फंसा कर रिश्वत देने के लिए लेकर आ रहा था, तो फिर नौकरी भर्ती का तो खेल ही सारा नकली है खट्टर सरकार में, अब यह साफ है। साथियों, एक बात बिल्कुल सामने, खट्टर सरकार हर बार जब रंगे हाथों पकड़ी जाती है तो 4-5 दिन अच्छी अच्छी खबरें चलवाती है, शेखी बगारती है और फिर पर्दा डाल देती है। मैं 3 उदाहरण आपको याद करवाऊंगा। 7 साल पहले क्लर्क की भर्ती में 7 परीक्षाएं हुई, याद करिए, वो सारे पेपर लीक हुए, पकड़े गए। जुड़ाव कहां मिला? पानीपत के एक स्कूल संचालक जो भाजपा के नेता है वहां, ये सबने स्वीकारा कि पेपर लीक हुआ। एसआईटी का गठन हुआ, कहा हम बड़ी पारदर्शिता करेंगे। आज 7 साल बाद मैं पूछता हूं हुआ क्या, मैं बताता हूं, उस एसआईटी ने भाजपा के उस नेता के स्कूल को क्लीन चिट दे दी, वो सारी नौकरियां लग गई, कोई पेपर जो लीक हुआ था उसे कूड़ेदान में डाल दिया गया। एक आपको और उदाहरण याद दिलाता हूं, 2017 में हमने एक सुपरमैन को देखा, आदरणीय खट्टर साहब को, उन्होंने रेड मारी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में सुपरमैन के तौर पर, बहुत सारे क्लर्क सस्पेंड हुए। उसके बाद क्या हुआ आप 2021 तक? आप भी भूल गए, लोग भी भूल गए, बच्चे भी भूल गए, सारा मामला बंद।